कन्हैया बोले मैया ये बता दूध ज्यादा प्यारो के पूत। अरे बेटा मेरो तो पूत प्यारो है, तेरे सामने दूध दही का चीज। इतने में मैया को याद आ गई, मैं तो दूध चढ़ा के चूल्हे पे चली आई, भूले गई या छोरा की बातन में। अरे बेटा मेरो दूध गयो पट से लाला को उतार के मैया भागी। तो क्या सचमुच पूत से ज्यादा मैया को दूध प्यारा था? झूठ कह रही थी मेरो पूत प्यारो है? मैया झूठ नहीं कह रही थी। तो फिर पूत को छोड़ के भागी क्यों? भागने का कारण यह नहीं था कि दूध बर्बाद हो जाएगा। तो दूध का उफन करके जलना अनिष्ट कारक होता है। तो लाला के ऊपर आए दिन कोई ना कोई संकट तो आते ही रहे। तो मैया इसलिए भागी कि दूध उफन के यदि जलेगा तो अनिष्ट का कारण बनेगा, कहीं फिर कोई उपद्रव मेरे कन्हैया के ऊपर ना आ जाए, इसलिए भागी। मैया के हृदय में तो वास्तव में कन्हैया के प्रति ही अनुराग है। इसमें दूध की हानि का भाव नहीं, हमारे कन्हैया पर कोई संकट फिर ना आवे, ये भाव था, इसलिए मैया दूध उतारने को भागी। मैया के यहां 9 लाख गई, थोड़ा बहुत उफन के कितना नुकसान हो जाता है।